गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ हिस्ट्री, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट। सो वी हैव स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजिंग द विजुअल आर्ट्स चैप्टर। द कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू आर्ट्स फॉर्म, स्टाइल, मटेरियल, टेक्निक which were creativity adapted by the Indian artist for the local patron and the market in the both elite and the popular circles। यहाँ पर कहा गया है कि colonial rule के जब introduce हुआ था, several new arts form, style, material, technique, जब colonial period आया, जब colonial rule आया, तो उस समय कुछ नया तरह का style आया, कुछ नया तरह का टेक्निक आया, कुछ नया तरह का क्रिएटिविटी आया, तो ये सब बदलाव आया था। एडप्टेड बाय द इंडियन आर्टिस्ट, मतलब भारतीय आर्टिस्ट जितने भी थे उन्होंने कॉलोनियल रूल के अंतर्गत जितने भी न्यू स्टाइल है, न्यू फॉर्म है, मटेरियल है, उन सबको वो अपना लिए। एंड द मार्केट इन द बोथ इलाइट एंड द पॉपुलर सर्कल, और ये हर जगह, चाहे किसी तरह का अभिजात वर्ग हो, किसी तरह का वर्ग हो, सभी में ये फेमस हो गया। इस तरह का जो आर्ट था, सब में ये फेमस हो गया है। मेनी ऑफ द विजुअल फॉर्म्स सर्च एज ग्रांड बिल्डिंग विद द डोम, डोम मतलब यहाँ गुंबद होता है, जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिया जाता है, कॉलम, आर्चेस, साइनेटिक लैंडस्केप and the realistic human images in a portrait or the popular icon of the gods and the goddess, mechanically printed and the mass produced pictures had their origin in the period of the colonial। यहाँ पर कहा गया है many of the visual forms, बहुत तरह का visual form जो है, such as ग्रांड बिल्डिंग हो जाए, या किसी प्रकार का डोम हो जाए, या कॉलम हो जाए, या आर्चेज हो जाए, मेहराब हो जाए, या लैंडस्केप हो जाए, या ह्यूमन हो जाए, बहुत तरह का पेंटिंग जो है, आइकॉन जो है, आपको उस समय देखने मिलता था आर्टिस्ट में। मतलब उस समय का जो विजुअलाइजेशन था, उस समय का जो आर्ट था, वो आपको बिल्डिंगों में देखने मिलता था, वो आपको लैंडस्केप में देखने मिलता था, वो आपको देवी देवताओं के पिक्चर्स में देखने मिलता था। मतलब हर तरीका से जो कॉलोनियल पीरियड था वो पूरी तरह से टेक्निकल बदलाव आ गया था। आर्टिसन जो है नए तरह का जो आर्ट्स है उसको अपनाने लगे थे। पहले जिस तरह का हमारा जो आर्ट था वो बदलाव हो गया, मतलब कॉलोनियल रूल में हमारा जो आर्ट एंड कल्चर जो था वो एकदम पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है चेंजिंग द विजुअल आर्ट्स, मतलब जो विजुअल आर्ट्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो स्टाइल है बिल्डिंग बनाने का, वो सभी में बदलाव आने लगा था। न्यू फॉर्म ऑफ इम्पीरियल आर्ट्स, नया तरह का इम्पीरियल आर्ट्स आने लगा। फ्रॉम द 18th सेंचुरी अ स्ट्रीम ऑफ द यूरोपियन आर्टिस्ट केम टू इंडिया। यहाँ बताया गया है कि बहुत सारा यूरोपियन जो आर्टिस्ट थे वो भारत आए थे, अलोंग विद द ब्रिटिश ट्रेडर एंड द रूलर, ब्रिटिश के ट्रेडर के साथ, ब्रिटिश व्यापारी के साथ, ब्रिटिश रूलर के साथ, सभी के साथ जो बहुत सारे आर्टिस्ट भी आए थे भारत में। द आर्टिस्ट ब्राउथ विद देम अ न्यू स्टाइल एंड न्यू कन्वेंशन ऑफ द पेंटिंग। जो आर्टिस्ट थे वो नया स्टाइल लाए, नया तरह का कन्वेंशन लाए, मतलब एक नया टेक्निक लाए थे आर्ट्स का, मतलब एक पिक्चर का, एक कलर का, मतलब हर चीज़ विजुअलाइजेशन जो आर्ट्स हैं उसको पूरी तरह से, न्यू तरह से कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे आर्टिस्ट ने हमारे भारत में बहुत सारा लाया था। कन्वेंशन मतलब यहाँ पे होता है एन एक्सेप्टेड नॉर्म्स और स्टाइल, एक ऐसा मापदंड जो सब कोई अपनाता है, एक ऐसा आर्ट जिसको कोई भी अपना ले। दिस वॉज अ बिलीव डैट आर्टिस्ट हैड टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड डिपिक्ट फिट फेथफुली वाट वाट, यहाँ वाट दो बार लिखा गया है, द आई सो, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि दिस वॉज द बिलीव डैट, ये बिलीव किया जाता था कि आर्टिस्ट हैज टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड डिपिक्ट द फेथफुली, मतलब आर्टिस्ट जो भी थे, जो भी देखते थे उसको अच्छे से डिपिक्ट कर देते थे, डिपिक मतलब ड्रॉ कर देते थे, मतलब जैसा दिख रहा है उसे उतार दिया।
तो इस तरह से एक स्टाइल लाए थे, वो एक नया तरीका लाए थे, मतलब वो आपका देखकर आपका पेंटिंग एकदम सेम टू सेम उतारते हैं, इस तरह से वो डिपिक्ट करते थे, उस तरह से वो पेंटिंग को बनाते थे। यूरोपियन आर्टिस्ट आल्सो प्राउड विद देम द टेक्निक ऑफ द ऑयल पेंटिंग, अ टेक्निक विद विच द इंडियन आर्टिस्ट वे आर नॉट वेरी फैमिलियर। ब्रिटिश यूरोपियन जो आर्टिस्ट थे वो अपने साथ एक नया तरह का पेंटिंग लाए थे, एक नया तरह का टेक्निक लाए थे पेंटिंग करने का, जिसको ऑयल पेंटिंग कहते थे, जो कि भारतीय जो लोग आर्टिस्ट थे वो उस ऑयल पेंटिंग से फैमिलियर नहीं थे, उनको उनके बारे में पता नहीं था। द सब्जेक्ट दे पेंटेड वेयर वेरिड बट इनवेरिएबली दे सीम टू इम्फेसिस द सुपरियोरिटी ऑफ द ब्रिटेन, इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल एंड इट्स पावर। यहाँ जो सब्जेक्ट होता था पेंटिंग करने का वो डिफरेंट डिफरेंट होता था, और साथ में ही ये ब्रिटेन का या इंग्लैंड का ये सुपरियोरिटी दिखाता था कि इंग्लैंड कितना पावरफुल है, मतलब यहाँ जो भी पेंटिंग बनता था वो इंग्लैंड का लोगों के बारे में, उनका पावर के बारे में, उनके देश के बारे में ज़्यादा दिखाता था, मतलब पेंटिंग में वो चीज़ को ड्रॉ किया जाता था, मतलब कि हमारे भारतीय इतिहास में उन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता था जो हमारे भारत इतिहास में है, जबकि बाहरी क्षेत्र की चीज़ों को दिखाया जाता था। लुकिंग फॉर द पिक्चर क्यू, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लुकिंग फॉर द पिक्चर क्यू। द पिक्चर क्यू अ ओल्ड फैशन वे वन पॉपुलर इम्पीरियल मतलब यहाँ शाही हो गया ट्रेडिशन वाज दैट द पिक्चर क्यू लैंडस्केप पेंटिंग। पिक्चर क्यू को आप लैंडस्केप पेंटिंग कह सकते हैं, मतलब जहाँ लैंड पे जो पेंटिंग करते हैं या लैंड को भूमि को देखकर या कोई बिल्डिंग को देखकर अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं या आर्ट्स बना रहे हैं तो उसे आप पिक्चर क्यों कह सकते हैं, मतलब हमारा जो पिक्चर बनेगा उसमें लैंड एंड बिल्डिंग को ज़्यादा दिखाया जाएगा। पिक्चर क्यों का मतलब भी यहाँ पे मैंने लिखा है अलग से, दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड द इंडिया एज द क्वाइंट मतलब विचित्र लैंड टू बी एक्सप्लोर बाय द ट्रेवलिंग ब्रिटिश आर्टिस्ट, इट्स लैंडस्केप वॉज रग्ड एंड वाइल्ड सीमिंगली अनटेम्प्ड बाय द ह्यूमन हैंड। यहाँ पे पिक्चर क्यू में जो हमारा भारत का जो लैंड है, जो क्विंट लैंड है, जो विचित्र लैंड है, उनको एक्सप्लोर किया गया है किसके द्वारा, तो ट्रेवलिंग ब्रिटिश आर्टिस्ट के द्वारा, जो घूमते घूमते किसी भूमि का पिक्चर ले लिया और उसको डिपिक्ट कर दिया, जैसे कि कोई पुराना, जैसे ब्रिटिश के समय में भी बहुत सारा जो इमारत था हमारा राजा महाराजाओं का वो पुराना हो जाता था, तो उसको ब्रिटिश लोग ड्रॉ करते थे, लैंडस्केप को करते थे, रग जंगलों को करते थे, जो भी वो देखते थे जिन खुदरा खुदरा जिस तरह का भी बिल्डिंग हो किसी टूटा फूटा सबको वो पिक्चर में ड्रॉ करते थे, वो दिखाते थे हमारे पुरानी तरह का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को अपने पेंटिंग में। द डोमेंट थॉमस, अब नेक्स्ट टॉपिक अबाउट दिस इज नॉट नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, द थॉमस डेनाइल एंड हिज नेप्यू विलियम डेनाइल, यहाँ दो व्यक्ति के बारे में बात किया गया है, थॉमस डेनाइल के बारे में और विलियम डेनाइल के बारे में, वे आर द मोस्ट फेमस ऑफ द आर्टिस्ट हु पेंटेड विथ इन दिस ट्रेडिशन, मतलब थॉमस डेनाइल ने और विलियम डेनाइल ने इस तरह का जो पेंटिंग है जो लैंडस्केप से रिलेटेड है, जो पुराने बिल्डिंग से रिलेटेड है, उनका वो आर्टिस्ट थे, वो पेंट करते थे। दे केम टू इंडिया इन 1785 एंड स्टे फॉर 7 ईयर, वो भारत में 1785 में आए थे और 7 साल तक भारत में रहे थे, एंड जर्नी फ्रॉम द कलकत्ता नॉर्थन एंड साउथन इंडिया, मतलब वो कलकत्ता से लेकर नॉर्थन साउथन पूरी तरह से सभी जगह का वो घूमे हैं, वो रहे हैं वहाँ पे। दे प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट एवोकेटिव पिक्चर क्यू लैंडस्केप्स ऑफ द ब्रिटेन न्यूली कॉन्क्योर्ड टेरिटरी इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश के द्वारा जितने भी टेरिटरी को ब्रिटेन ने कब्जा किया था उसको दोनों ने बहुत ही अच्छे से तरीका से दिखाया है, मतलब बताया है कि देखिए हमने भारत में किन किन क्षेत्रों को कवर किया है या किन किन क्षेत्रों को कब्जा किया है। तो इस प्रकार से वो ब्रिटिश ने या ब्रिटिश के जो आर्टिस्ट थे वो हमारे भारत के उन जगहों को दिखा रहा था जहाँ पे ब्रिटेन का हक होता था या जो ब्रिटिश के कब्जे में आ गया था, जहाँ पे राजा महाराजा को हरा दिया गया था।
उस बिल्डिंग को दिखा रहा था यहाँ पे ब्रिटिश कि हम कितने पावरफुल हैं, या ब्रिटिश के आर्टिस्ट ये दिखाना चाहते थे कि हम कितना कब्जा करके रखे हैं भारत में, कितना जगह को ये हम अपने अंदर रख लिए, तो उसको पिक्चर क्यों के द्वारा से दिखा रहा है, मतलब पिक्चर के द्वारा दिखा रहा है। दे लार्ज ऑयल पेंटिंग ऑन द कैनवास वेयर रेगुलरली एग्जिबिटेड टू द सेलेक्ट ऑडियंस इन द ब्रिटेन। जो लार्ज ऑयल पेंटिंग थे उनको कैनवास में, मैं कैनवास एक तरह का फोटो फ्रेम होता है उसे आप कह सकते हैं, वेयर रेगुलरली एग्जिबिटेड, उसको हमेशा जो है प्रदर्शित किया जाता था, दिखाया जाता था ब्रिटेन के ऑडियंस को। देयर एल्बम ऑफ द इनग्रेविंग वेयर द एजरली प्राउड ऑफ बाय द ब्रिटिश पब्लिक कीन टू नो अबाउट ब्रिटेन एम्पायर। मतलब यहाँ पे क्या करता था, भारत में इन फोटो को बनाया जाता था, इन पिक्चर क्यू को बनाया जाता था कि हम भारत में ब्रिटेन ये दिखाना चाहता कि हम भारत में कितने राज्यों को कवर किए, कितने राज्यों को हम कब्जा किए, और उस चीज़ों को वो ब्रिटेन में ऑडियंस को दिखाते थे कि देखो हमारा एम्पायर कितना ज़्यादा फैल गया है, हम कितने देश इंडिया के कितने क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिए, हम कितना पावरफुल हो गए। तो इस प्रकार से दिखाया गया है। द टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ द पिक्चर क्यू लैंडस्केप पेंटेड बाय द डेनाइट, बहुत अलग तरह का टाइपिकल, जो हर तरह का टाइप का जो पिक्चर क्यू होता है वो डेनाइट के द्वारा पेंटिंग किया जाता था। द पेंटिंग सो रेंड ऑफ द लोकल बिल्डिंग डैट वी आर वंस ग्रांड, मतलब यहाँ पे जो पेंटिंग हुआ करता था वो रेंड हुआ करता था, मतलब वो खुद खंडहर हुआ करता था, मतलब कि डेनाइट जो है वो उन्हीं चीज़ों का पेंटिंग को ये ड्रॉ करते थे जो खंडहर किया हो, या वेयर मतलब कि बिल्डिंग टूटा फूटा हो, या लोकल बिल्डिंग हो, उनका वो पिक्चर क्यों बनाते थे। द बिल्डिंग आर बिल्डिंग आर रिमाइंडर ऑफ द पास्ट ग्लोरी, मतलब ये पास्ट ग्लोरी को रिमाइंड करते थे कि हमारा जो पास्ट था वो कितना सुंदर था। रिमेन ऑफ द एंसेस्ट सिविलाइजेशन डैट नाउ इन द रून, वो हमारा एंसेस्ट सिविलाइजेशन को दिखाते थे जो कि रून हो गया, मतलब ख़त्म हो चुका है। इनग्रेविंग का मतलब यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है, अ पिक्चर प्रिंटेड ऑन टू मतलब पेपर फ्रॉम द पीस ऑफ वुड और मेटल, मतलब ऐसे पिक्चर जो किसी ऑन टू अ पेपर और किसी वुड पे या मेटल पे इन टू विच द डिजाइन और ड्राॅइंग हैज़ बीन कट, मतलब किसी वुड पे इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता था, या किसी मेटल पे बनाया जाता था, पेपर का हेल्प लेके बनाया जाता था, तो इस तरह से पेंटिंग को हम लोग इनग्रेविंग कहते हैं। द ब्रिटिश रूल इन द इमेज में, जो आप अगर बुक को देखेंगे तो उस इमेज में दिखाया गया है, ब्रिंगिंग द मॉडर्न सिविलाइजेशन टू इंडिया इज पावरफुल इम्फेसाइज्ड इन द नंबरस पिक्चर ऑफ द लेट 18th सेंचुरी एट कलकत्ता ड्रोन बाय द डिनाइड, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा जो है बहुत सारा सिविलाइजेशन को दिखाया जाता था, बहुत सारा नंबर्स ऑफ पिक्चर को कि वो कितने पावरफुल हो गए, वो कितने एडवांस हो गए, तो इस प्रकार से वहाँ पे इस चीज़ को डिनाइड ने 18th सेंचुरी में दिखाया है। In this drawing, we can see the making of the new Calcutta with the wild avenue, majestic European style building and the new model of transport. मतलब यहाँ पे डेनाइड ने मॉडर्न तरह का भारत को दिखाया पेंटिंग में, बहुत सारे पेंटिंग में जिसमें दिखाया है उन्होंने अपने ड्राइंग में बड़ा बड़ा एवेन्यू, मतलब मार्ग, मतलब बहुत बड़ी जो मार्ग का मतलब होता है, बहुत बड़ा जो रास्ता होता है, मतलब पहले भारत में छोटा छोटा पत्ती पत्ती हुआ करती थी, पर उस रास्ता को अब मोटी किया गया है, मतलब बड़ा किया गया है, अब रास्ता बहुत चौड़ा हुआ करता था, ठीक है, जो न्यू ब्रिटिश का जो रूल के अनुसार था। तो वहाँ पे नया बिल्डिंग बनाया गया, नया तरह का रास्ता बनाया गया, नया ट्रांसपोर्ट बनाया गया था, तो इस तरह से ब्रिटिश ने नया तरीका का जितनी भी चीज़ें भारत में बनाया उसको डिनाइड ने अपनी पेंटिंग के द्वारा अच्छे तरीके से दिखाया। ट्रेडिशनल इंडिया, मतलब आप फिगर में या बुक्स में दो तरह का इमेज देखेंगे, एक मॉडर्न एक ट्रेडिशनल इंडिया का, तो दोनों के बारे में डिनाइड ने बता रहा है। आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे मेरा नोट्स है, आप बुक को भी देख सकते हैं। टू रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ इंडिया एट प्री मॉडर्न चेंजलेस एंड द मोशनलेस टाइप फाइव
टाइफाइड बाय द फकीर काउ एंड द बोट सीलिंग ऑन द रिवर। मतलब हमारा जो भारत पुराना भारत दिखाया गया प्री मॉडर्न चेंजलेस, मतलब वहाँ पे कोई चेंजलेस नहीं था, गाय थी, फकीर था, गोट था, मतलब सभी को रिवर को दिखाया जा रहा है ट्रेडिशनल इंडिया इमेज में। लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल किस प्रकार का लाइफ था। सो द मॉडर्निंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश रूल बाय द एम्फेसाइजिंग अ पिक्चर ऑफ ड्रामेटिक चेंज। मतलब यहाँ पे जो लाइफ था ब्रिटिश रूल के अनुसार वो वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कितना ज़्यादा ब्रिटिश रूल के अंदर मॉडर्नाइजिंग आ गया था, मतलब वो कितना ज़्यादा बदल गए थे, कि वो कितना ज़्यादा एडवांस हो गए थे, इस चीज़ों को वो दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है, बट इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे और नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक द पोर्ट्रेट ऑफ द अथॉरिटी। सो वी हैव सम क्वेश्चंस, सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक वी हैव सम क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड वन पेंटिंग फ्रॉम द चैप्टर विच सजेस्ट दैट ब्रिटिश वी आर मोर पावरफुल देन इंडियन। मतलब आपको एक ऐसा पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करना है, ऐसा पेंटिंग के बारे में बताना है जो ये दिखाता है कि जो ब्रिटिश का कितने पावरफुल थे इंडियन से। हाउ दिस अफेक्ट द आर्टिस्ट डिपिक्ट दिस, हाउ मतलब कि आर्टिस्ट ने कैसे इसे डिपिक्ट किया, दिखाया। आपको याद होगा जो हमारा मॉडर्न जो पिक्चर बनाया गया था डेनाइट के द्वारा, वो बहुत ही उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाया गया था। ठीक है, जबकि भारत का जो पेंटिंग हुआ करता था उसमें गाय को, गोड को या रिवर को दिखाया गया था, पुराने बिल्डिंगों को दिखाया गया था। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड मस्ट मेक इट दिस क्वेश्चन आंसर विल बी आई विल गिव यू द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड।